Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. I hope you all are doing great. So today's video is going to be on a Meesho jewelry haul. And बहुत time बाद मैं एक Meesho jewelry haul कर रही हूँ because festive season is right around the corner and मैं सोचा कि कुछ jewelry haul किया जाए plus बहुत सारे request आ रहे थे. So ये जो jewelry haul is going to be a mixed jewelry haul जिसमें आपको western and Indian दोनों jewelries देखने को मिलेगा and plus बहुत affordable prices में है. So in case आपको ये video अच्छा लगता है तो please मुझे comment section में ज़रूर बताना. I would love to do a part 2, 3, 4, 5 of this video. So let's get started with today's video. First one is this very beautiful three piece. तो इसमें आपको एक necklace and two earrings मिल जाएंगे. बहुत सारे लोगों को ना heavy jewelry पहनना पसंद नहीं है, उनके लिए काफी ज्यादा perfect है like for people like me. And ना मैंने एक brand देखा था जहाँ पे इसी type से jewelry बनाता था जो कि 4,000-5,000 का उसका cost था. Obviously वो silver के साथ साथ plating के साथ था, but this is a very good option अगर आपको थोड़ा सा short छोटा सा कुछ चाहिए जिसमें आप कोई भी कुर्ता या फिर सेट साड़ी इसके साथ आप पहन सके. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. प्लस क्वालिटी की बात करें तो इसका क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है. सिंस कलर्स इसमें ऐसे दे रखे हैं जो कि कोई भी इंडियन आउटफिट्स के साथ चल जाएगा, तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं. ईयरिंग्स के लिए भी बहुत सारे लोगों को अगर हैवी ईयरिंग्स पहनना पसंद नहीं है तो आप इस टाइप से डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ईयरिंग्स है ये भी बहुत ही ज्यादा छोटे हैं. एंड क्वालिटी अगेन इसका 10/10 है. उसके बाद आई गॉट दिस पीस एंड ऑनेस्टली मेरी ना इसके साथ कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि इस प्राइस में शायद इट्स नॉट कि मीशो पे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं मिलते, मिलते जरूर है, बट मुझे लगा वो गंदे वाले एडी के जो ईयरिंग्स है ना, ईयरिंग एंड सेट वो होगा. बट आई एम सुपर डुपर ब्लोन आउट टू सी दिस. आप देख सकते हैं कि इसमें ना जो क्वालिटी है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है. एंड द एडी का क्वालिटी इज ऑल्सो रियली गुड. इसमें आपको कुछ इस टाइप से चेन मिल जाएगा. यू कैन डेफिनेटली डिटैच दिस चेन अगर आपको जो चोकर वाले पीस चाहिए, मतलब जो मिलते हैं ना चोकर वाले, वो भी इसके साथ आप डेफिनेटली पहन सकते हैं. द कलर इज वेरी ब्यूटिफुल. सिंस इट्स एन एमरल्ड कलर, इट कैन बी पेयर्ड अप विद मैक्सिमम ऑल ऑफ द कलर्स. एंड इसके साथ साथ जो ईयरिंग्स की बात करें, द ईयरिंग्स आर ऑल्सो रियली प्रिटी. यू कैन वेयर दीज विद एनी ऑफ योर वेस्टर्न आउटफिट ऑल्सो, जैसे टॉप्स या फिर गाउन्स के साथ भी आप इसे पहन सकते हैं. आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस पीस. आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू बाई दिस वन. नेक्स्ट आई हैव दिस पीस. अगेन आई एब्सोल्युटली लव दिस. फेस्टिव सीजन में ना साड़ीज़ के साथ, स्पेशली सिल्क साड़ीज़ के साथ इस टाइप के जो ज्वेलरी है बहुत अच्छे चलते हैं. आई डोंट नो व्हाट दिस ज्वेलरी इज कॉल्ड, जैसे टेम्पल ज्वेलरी टाइप का ही होता है ना, वैसे ही आपको ये मिल जाएगा. एंड यू कैन सी दैट इट हैज़ दिस रियली नाइस बीड वर्क विद दिस ब्यूटिफुल पेंडेंट. एंड कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये जो पेंडेंट है ना इस प्राइस में आपको मिला है. अगेन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा पीस है. इसके साथ साथ आपको ईयरिंग्स भी मिलते हैं एंड ईयरिंग्स भी इसके काफ़ी प्रिटी है. सो ईयरिंग्स ना इसमें आपको इस टाइप से मल्टी कलर्ड वाले ईयरिंग्स मिल जाएंगे. एंड सिंस दिस इज लाइक लाइट मल्टी कलर्ड, आप कोई भी अगेन आउटफिट के साथ इसे पहन कर सकते हैं. जैसे मैंने ये पहन रखा है, इसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से जाएगा. अगेन क्वालिटी वाइज ऑल्सो दिस इज 10/10, बिल्कुल मतलब कहीं से भी चीप नहीं लग रहा है. एंड मेन पर्पज ना यही होता है कि मीशो से कुछ ले तो वो चीप ना लगे, बिकॉज प्रोडक्ट्स जो होते हैं लो क्वालिटी के तो होते ही है, बट साथ ही साथ चीप फील नहीं होना चाहिए. सो आई रियली लाइक दिस वन. उसके बाद आई गॉट दिस वेरी डिफरेंट पीस. सो मुझे ना कॉटन के या फिर जैसे लिनन की साड़ीज़ पहनना बहुत पसंद है, स्पेशली दोज जो कि एकदम सॉलिड होते हैं. सो उसके साथ साथ ना इस टाइप की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी चलती है. इसमें आप देख सकते हैं स्टोन्स दे रखे हैं ब्लैक एंड वाइट के. एंड अगेन ब्लैक एंड वाइट इज़ अ क्लासिक कॉम्बिनेशन, आई फील कि थोड़े से आउटफिट्स के साथ चल जाएंगे, इसलिए मैंने ये वाला पीस लिया है. बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. इसमें आपको इस टाइप से ज्वेलरी मिल जाएगी, लाइक ईयरिंग्स मिल जाएंगे जो कि अगेन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. द ईयरिंग इज ऑल्सो रियली प्रिटी. इसमें ना शायद और कलर्स भी मिल रहे थे, बट मैंने ये ब्लैक एंड वाइट लिया क्योंकि मेरे साड़ी के साथ चलता है. एंड इस टाइप की ज्वेलरी ना मानो या ना मानो बहुत कूल लगते हैं. सो आई रियली लव दिस. उसके बाद आई गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल पीस जो कि बैंगल जैसा है, बट इट्स लाइक अ वन पीस थिंग. सो इसमें मेरे पास दो और भी है, एक आपको सिल्वर में, गोल्डन में मेरे पास मतलब
है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ये मैंने लिया है पर्ल वाले में, बिकॉज पर्ल्स जो होते हैं ये अगेन अनसेड फैक्ट है, सबके साथ बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, बी इट वेस्टर्न, इंडियन या फिर आप लिटरली कुछ भी पहनो, कुछ के साथ भी चल जाता है। सो इस टाइप से है एंड पहनने के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। क्वालिटी, अगेन क्वालिटी की क्या बात करें, मतलब बेसिक सा क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी है एंड 200 के नीचे मिल रहा है, तो अगेन इट्स अ रियली ब्यूटीफुल पीस। उसके बाद अगेन मैंने एक चोकर लिया है, मीशो पे ना चोकर्स बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, तो ये वाला चोकर मैंने लिया। एंड इस बार ना मैंने फोकस किया है कि मैं ज्वेलरी जो लूँ वो ज़्यादा हैवी ना लूँ, बिकॉज पर्सनली मुझे आजकल उतने हैवी ज्वेलरीज पहनना पसंद नहीं है। और इन केस आपको पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो टू क्रिएट दोज ऑल वीडियोज वाई ऑल। सो ये मैंने लिया है एंड ये ना अगेन सिल्क साड़ीज या फिर कोई बेसिक साड़ी कुर्ता के साथ बहुत अच्छी तरीके से जाता है, बिकॉज बहुत मिनिमल है। रेड थ्रेड के ऊपर आपको इस टाइप से गोल्डन एंड पर्ल वर्क मिल जाएगा, बहुत लाइट वेट ज्वेलरी है, काफ़ी एलिगेंट सा लगता है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। इसके साथ साथ आपको इस टाइप से झुमके मिलते हैं, ये झुमके ना आप कोई भी डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, विच अगेन इज अ वेरी नाइस थिंग। इसमें मैंने रेड के बेस में लिया बिकॉज मेरे पास ऐसा साड़ी एंड कुर्ता है, आप चाहे तो इसमें बेस डिफरेंट ले सकते हैं। आई थिंक ग्रीन भी अवेलेबल था एंड ब्लैक भी अवेलेबल था, सो मैंने ग्रीन एंड ब्लैक ऑलरेडी ले रखा है इसलिए मैंने रेड प्रेफर किया है। उसके बाद ओह माय गॉड, दिस इज द ओनली पीस जो कि हैवी है जो मैंने इस बार लिया है। आई नो मैं नहीं पहनती बट बहुत सारे लोग पहनते इस टाइप से ज्वेलरी एंड सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गई थी कि इतनी हैवी ज्वेलरी इतना लाइट वेट हो सकता है। लिटरली ये बहुत बहुत ज़्यादा लाइट वेट ज्वेलरी है, यू कैन सी दैट इट इज़ अ स्टेटमेंट पीस एंड कोई भी कुर्ता या कुर्ता सेट के साथ साड़ी के साथ पहनोगे। एंड इसमें आप देख सकते हैं गोल्डन के साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल फुल सा पर्ल वर्क भी दे रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड मेरे लिए तो आई फील लाइक आई एम सो डाइसी कि मैं इसे रखूँ या नहीं, बिकॉज मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा है एंड इस टाइप से ज्वेलरी आई डोंट नो कि मैं मुझ पर सूट करता है या नहीं, बट हाँ मुझे काफ़ी प्रिटी लगा एंड मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी बिकॉज ब्यूटिफुल है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ की लाइट वेट है, प्लस काफ़ी अच्छी तरीके से भी बनाया, कुंदन वगैरह का भी काम इसमें दे रखा। सो अगेन आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। एंड सो नेक्स्ट द लास्ट सेकेंड लास्ट पीस दैट आई गॉट इज दिस वन। अगेन ये भी पीस मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, जैसे मैंने आपको ग्रीन के साथ ज्वेलरी ये वाली दिखाई थी उसी टाइप से है ये वाला। सो ये पीस अगेन बहुत बहुत प्रिटी है, मतलब अगर आपके पास ऐसा ड्रेस या साड़ी ना भी हो ना तो भी आप इसे रख सकते हैं ज़रूर, बिकॉज किसी ना किसी के साथ तो ज़रूर चल जाएगा। सो इस टाइप से आपको ये पीस मिल जाएगा एंड इसके साथ साथ इस टाइप से ब्लू कलर का सफायर दे रखा है। शो यू अ लिटिल क्लोजअप ऑफ दिस कि इसमें जो डिज़ाइन दे रखा है ना, एडी का काम दे रखा है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इसमें भी आप ये डिटैच कर सकते हैं, यू कैन यू नो ऐड अ चोकर, चोकर वाले जो आते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इयररिंग्स दे रखे हैं ये भी बहुत प्रिटी है, कोई भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ बहुत ईजीली चल जाएगा। सो ये भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं एंड कोई भी आउटफिट के साथ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। चाहे लास्ट पीस है ये वाला जो कि आपने शायद मीशो पे देखा होगा, दिस इज़ हाउ द पीस लुक्स लाइक। एंड ये ना कोरियन ज्वेलरी में आपको मिल जाएगा, डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा है एंड अगर आप नॉर्मल सिंपल वाले कुर्ताज पहनते हैं ना उसके साथ भी ये पहन सकते हैं, मतलब लिटरली आप इसे कोई भी आउटफिट के साथ इजीली पहन सकते हैं जो कि नो कैजुअल लुक में हो। सो ये मैंने लिया है। द लास्ट इयररिंग दैट आई गॉट इज़ द वन दैट आई एम वेयरिंग, ये भी जो कोरियन टाइप की ज्वेलरी है ना उसमें से मैंने ये लिया है एंड यू कैन सी दैट अगेन बहुत वर्सेटाइल पीस है, कोई भी इंडियन आउटफिट के साथ या वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ इजीली आप पहन सकते हैं। द कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो रियली गुड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये हैवी से ड्रेस के साथ ये वाली इयररिंग्स पहने, मैं नहीं बोलूंगी कि सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है, आई नो देर वुड बी बेटर इयररिंग चॉइसेस, बट मैं सोचा कि चलो ये पहन लेते हैं आज के हॉल वीडियो से लिया है तो। सो ये मैंने पहन रखा है, इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है बट यू नो यू कैन डेफिनेटली पेयर इट विद समथिंग जिसके साथ मैच हो एंड बहुत ही प्रिटी सा पीस है, अगेन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। सो आप डेफिनेटली इसे भी ट्राई कर सकते हैं एंड बहुत लंबा चलता भी, इस टाइप के जो कोरियन ज्वेलरी होता है ना ये काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, डिस्कलर नहीं होता बिकॉज प्लास्टिक का होता है। सो दैट कम्प्लीट्स माई हॉल वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये हॉल वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर